हेलो एंड वेलकम टू रुखसास किचन। आज हम बनाएंगे शक्कर पारे। ये बाहर से बिल्कुल क्रंची और कुरकुरे होते हैं और अंदर से बिल्कुल ये खस्ता होते हैं। इन शक्कर पारों को आप कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं और बच्चों के टिफिन में या टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर। तो शक्कर पारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। फिर इसमें डाला है मैंने 1/8 टीस्पून यानी 2 चुटकी बराबर नमक। फिर इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून घी। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपका आटा इस तरह से दिखना चाहिए। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को गूंद लेंगे। तो आटे को अच्छे से गूंदने के बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे और आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके ढक्कन को हटा लेंगे और आटे को थोड़ा सा तेल या घी डाल के अच्छे से हम खूब इसको मल लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट अच्छे से मलने के बाद आप देख सकते हैं आटा इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसके छोटे पेड़े या लोई बना लेंगे। अब बाकी लोई को हम एक बर्तन में रखेंगे और एक लोई या पेड़ा लेंगे और इस तरह से दोनों हाथों से इसको रोल करते जाएंगे ताकि ये लंबी पट्टियों में बन जाए। तो बिल्कुल हमें सॉफ्ट या चिकना रोल करना है इस तरह से। तो उसके बाद इस तरह से हम आधे इंच के पीसेस कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपके शक्करपारे दिखेंगे। तो बाकी पेड़ा या लोई के भी हम इसी तरह से शक्करपारे के पीसेस कट कर लेंगे। तो बाकी पेड़ों को भी मैंने रोल करके कट कर लिया है। अब हम करेंगे इसके तलने की तैयारी। तो शक्करपारे तलने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल को गरम कर लिया है और जब तेल हल्का सा गरम हो जाए तब हम इन शक्करपारों के पीसेस को डाल देंगे। तो ये चिपके हुए रहेंगे तो घबराइए मत, जब तेल में जाएंगे तो खुद ही अलग हो जाएंगे। तो देख सकते हैं अलग हो रहे ये। तो गैस के फ्लेम को आप हाई रख सकते हैं और इसको बीच बीच में चलाते हुए हमें इसको बादामी रंग यानी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें फ्राई करना है। तो 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बादामी रंग के होने तक। तो आप देख सकते हैं 7 मिनट के बाद ये गोल्डन ब्राउन यानी बादामी रंग के हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब हम करेंगे इसकी शीरे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। फिर इसमें डाला है 150 ग्राम चीनी या शक्कर। फिर डालेंगे हम आधा ग्लास पानी। अब इसको हम चलाते हुए एक तार शीरा होने तक इसको हम पका लेंगे। तो चीनी को थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं एक तार शीरा ये बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने शक्करपारे के पीसेस फ्राई करके रख लिए थे उसको इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसको चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक इसको हम पका लेंगे ताकि चीनी अच्छे से इसको कोट हो जाए। जब 2 से 3 मिनट तक पक जाए उसके बाद हम निकाल लेंगे और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा होने के बाद इस तरह से शीरे के वजह से चिपके हुए रहेंगे। तो आप इसको हाथ से तोड़कर अलग कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको एक एयर टाइट कंटेनर में आप कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं और चाय के साथ या फिर बच्चों के टिफिन में भी आप इसको दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रुखसास किचन।